शांति। आज हम विशेष सूक्ष्मवतन में मालिश का अनुभव करेंगे। अव्यक्त मुरली, 20th February 1988। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वह भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़े ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। एक सेकंड की भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही है थकावट उतारने। तो यह मेडिटेशन करने से हम बहुत ही फ्रेश और रिलैक्स महसूस करेंगे। तो यह अभ्यास चलिए स्टार्ट करते हैं। चारों तरफ के सर्व संकल्पों को समेट कर अनुभव करेंगे, मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप, मस्तक के बीच में, एक चमकता सितारा, गहराई से अनुभव करेंगे, मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप में स्थित हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा का ओरिजिनल नेचर शांत है। अभी फील करेंगे मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल संपूर्ण शरीर में फैल चुकी है। ऊपर ब्रेन से लेके नीचे पैरों तक यह शांति की किरणों का प्रवाह हो रहा है। मैं आत्मा अशरीरी बन चुकी हूं। रिलैक्स हूं। फील करेंगे अब यह स्थूल शरीर लोप हो चुका है, बस मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में, अपने फरिश्ता स्वरूप में। मैं एक शांति का फरिश्ता हूं। अभी एक सेकंड में पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में। चारों तरफ सफेद प्रकाश, सामने मेरे बाप दादा, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। असीम शांति है इन नैनों में।
अनुभव करेंगे। बाप दादा ने हमें गले लगा लिया है। मैं संपूर्ण रिलैक्स और शरीरी बोझ मुक्त अवस्था में हूँ। कोई संकल्प नहीं, बस मैं बाबा का और बाबा मेरा। अभी बाप दादा के सामने बैठ जाएं और फील करेंगे बाप दादा ने अपने दोनों हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दिए हैं। बाबा के हाथों से दिव्य प्रकाश मुझे आत्मा में और सूक्ष्म शरीर में फैल रहा है। अभी अनुभव करेंगे बाप दादा बहुत प्यार से हमारे माथे की मालिश कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने उंगलियों से हमारे माथे की मालिश कर रहे हैं। इन हाथों से दिव्य प्रकाश पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है। बहुत ही दिव्य और अलौकिक अनुभव है ये। मैं संपूर्ण अशरीरी निःसंकल्प स्थिति में स्थित हूं, जैसे कोई बोझ है ही नहीं। ब्रेन, मस्तिष्क इन किरणों से बाबा के हाथों के मालिश के वाइब्रेशन से संपूर्ण रिलैक्स हो चुका है। दिव्य प्रकाश से चमक रहा है। बड़े ही प्यार से बाबा हमारे माथे की मालिश कर रहे हैं। एक माँ के रूप में हमें प्यार की पालना दे रहे हैं। एक बापन हमें सर्व बोझ से मुक्त कर दिया है और एक फ्रेंड बन, खुदा दोस्त बन हमें निरंतर साथ का अनुभव कराते हैं। अभी फील करेंगे इन हाथों से दिव्य प्रकाश सारे शरीर में फैल चुका है, जैसे सारे शरीर की मालिश हो रही है। एक अद्भुत अतिंद्रिय सुख का अनुभव है ये।
इस अनुभव से मैं बहुत ही फ्रेश और रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। संपूर्ण बोझ मुक्त अवस्था है ये, कोई संकल्प नहीं। बाबा कहते हैं, बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आई है थकावट उतारने। बाबा से हम वरदान लेंगे, अशरीरी भव। इस वरदान से हमारी यह बोझ मुक्त स्थिति, अशरीरी स्थिति निरंतर बनी रहेगी। हमें यह अनुभव निरंतर रहेगा और हमारे जीवन में नेचुरल बन जाएगा। इस अलौकिक मालिश से हमारे पूरे मन की, संकल्पों की, दिमाग की और शरीर की सारी थकावट समाप्त हो चुकी है। मैं फरिश्ता बहुत ही फ्रेश और रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। ओम शांति।